Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat, no heavy bags, locker for every student, personality. आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। जैसे कि नाज़रीन A18 तेलंगाना न्यूज़ ने आपको ये खबर बताई थी, जहां मीना हॉस्पिटल में हाफिज बाबा नगर की रहने वाली 27 साल खातून ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिए, जिसमें एक लड़का और 3 लड़कियां शामिल है। इस ताल्लुक से मीना हॉस्पिटल में एक खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मज़ीद तफसलात बताई गई। देखिए ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने A18 तेलंगाना न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। योर रिपोर्ट A18 तेलंगाना न्यूज़। हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम हैदराबाद, कल 4 बजे आफरीन पेशेंट 27 साल के हाफिज बाबा नगर से हमारे पास आए। इनको ऑलरेडी दो बच्चे हैं नॉर्मल डिलीवरी से, ये तीसरी प्रेगनेंसी थी इनकी। इनको मालूम था कि इनको पेट में इनके 4 बच्चे हैं, हमारे पास इमरजेंसी में बताने के लिए आए। तो इनका बीपी हम लोग चेक करे तो 140-90 था। इन्होंने पहले से 2-3 महीने से बीपी के टैबलेट्स ले रहे थे, टैबलेट लेबेटलॉल 300 मिलीग्राम के 3 बार ले रहे थे, उसके बावजूद भी उनका बीपी कम नहीं हो रहा था। बहुत रेस्टलेस थे, उन्होंने बहुत अनईजी फील कर रहे थे, उनके पैरों पर काफ़ी सूजन थी। हम लोग जब का जब स्कैन करा के देखे बच्चों का वेट कितना है, मेच्योरिटी कितनी है प्लासेंटा, तो वो सब देखते हुए उसको उनके पेट मदर की कंडीशन देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि इनको इमरजेंसी सिजेरियन करना है और हम लोग 5 बजे ऑपरेशन शुरू करें इनका। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पहला बेटा हुआ 1.5 kg बेबी, सेकंड बेटी 1.3, तीसरी भी बेटी 1.4 और चौथे वाला 1.5 kg की बच्ची पैदा हुई। बट डिलीवरी तो अच्छी हो गई, उसके बाद प्लासेंटा सब निकाल दिए, आंवल जिसको बोलते हैं, उसके बाद और टेबल पे लेने के बाद बीपी इनका 170-100 जा रहा था। हमारे डॉक्टर शकीब एनेस्थेसिस्ट हैं, ये हम लोग यूजुअली देखिए हम लोग ऑपरेशन 30-40 मिनट में कर देते हैं, मगर इनका ऑपरेशन 5 बजे से 8 बजे तक चला। इनका ऑपरेशन 3 घंटे हुए, ब्लीडिंग काफ़ी हुई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, 4-4 आवर रहने के बावजूद की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी हुई और इनका बीपी कम भी होना शुरू हो गया, थोड़ा उन्हें शॉक में भी जा रहे थे, मगर हमारे एनेस्थेसिस्ट और ICU टीम जो हमारे साथ मौजूद थे, अच्छा वो लोग कोऑपरेट करे, अच्छा मैनेज करे। हम लोग दोनों मिलके भी, मैं और डॉक्टर विद्या ऑब्स्टेट्रिशियन जो हैं, हम लोग अच्छे सूचर्स दे के इनकी ब्लीडिंग को पूरी रोके और उसके बाद ऑपरेशन ख़त्म करने से के बाद फिर हम लोग फोलिस कैथेटर फिर यूट्रस में डाले, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होना है बल्कि, वो सब करने के हम लोगों को 3 घंटे लग गए। उस दौरान डॉक्टर एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर शकीब जो हैं उन्होंने भी हमारा साथ अच्छा दिए। क्या रजिस्ट देखिए, ये अपने से कराना अलग बात है, अपने आप अगर कुदरती तरीके से हो रहे हैं तो उसके वजूहत हैं, जैसा अगर बीपी है, थायराइड है, शुगर है, इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसा पहले 3 महीने में मिसकैरेजेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो जवान बच्चियाँ जो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से है, जो PCOD बोल रहे हैं आप, जैसा कैसा मोटे हो जा रहे हैं बच्चियाँ, अंडे जाने में छाले आ जा रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों को हमको ट्रीटमेंट करना पड़ रहा। वो तो गज़ा की वजह से भी है, मिलाट या वो तो जो मोटापा जो बढ़ जा रहा, लाइफस्टाइल जो है ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से PCOD चेंजेस ज़्यादा दिख रहे हैं। उसमें हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होने से अपने आप से कंसीव नहीं कर सकते ये लोग, 6-8 महीने लगते हैं लोगों को इलाज करने की वजह से। हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं वैसे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग कंसीव भी कर रहे हैं वैसे, PCOD पेशेंट्स हमारे पास। क्या बोलना चाहेंगे आप? हम ये बोलना चाहेंगे पेशेंट्स जो लेडी बच्चियाँ हैं, ज़्यादा एक्टिव रहना, हेल्दी डाइट खाना, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना, जंक फूड अवॉइड करना है, ये लोग एक्सरसाइज, अब घर के काम है, एक्सरसाइज है, जो भी करना है, खाली बैठ जाना नहीं। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे, यहाँ AC डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है, 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मज़ीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या
9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।